आखिरकार लंबे समय की खींचतान और पहले आप की तर्ज के बाद हमीरपुर लोकसभा सीट से घोषित हुए कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने ऊना से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जिले की पांचों विधानसभा से पार्टी के दिग्गज नेता उनके स्वागत में प्रदेश सीमा पर महतपुर में मौजूद रहे। हालांकि इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की अधिक भीड़ नहीं दिखाई दी। दिग्गज नेता गुटों में बंटे नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रामलाल ने बीजेपी पर चुनावी मुहिम के लिए धर्म और राम मंदिर को मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी को 2014 में किए गए वादों का जिक्र करते हुए किसान आत्महत्या, 15 लाख खातों में आने, काला धन वापस लाए जाने का भी जिक्र किया है। रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर भगवान राम को पिछले दरवाजे से बाहर किए जाने का आरोप लगाया है और चुनाव के लिए राम का सहारा लिए जाने की बात कही है। रामलाल ने सेना और पैरामिलिट्री को देश का भाग बताते हुए बीजेपी नेता द्वारा इसका गलत प्रयोग किए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण का खुलासा किए जाने को कहा है। हालांकि वो अनुराग को छोटा भाई कहने से भी नहीं चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेके भगवान रामचंद्र जी को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल के आज चुनाव की बेतरनी नदी को पार करना चाहते हैं। सेना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पैरामेडिकल फोर्सेज महत्वपूर्ण है। जो बलिदान भारतवर्ष के लिए दे रहे हैं वो मैं कहूँगा कि भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आज की स्थिति में जो हमारी सारी जितनी कठिनाइयाँ हैं उनको भुला के केवल मात्र चुनावों को जो है प्रभावित करने के लिए केवल मात्र हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई को आगे लेके आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी स्कूलों में एडमिशन का दौर चल रहा है और नए सत्र की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बाल स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला शीघ्र करवाएं ताकि शुरू हुए सत्र में बच्चे अपनी पढ़ाई सफलता से शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि नए सत्र की कक्षा शुरू हो गई है, ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को दाखिला लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। मैं नए सत्र के प्रारंभ पर सभी अभिभावकों को मुबारकबाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अभिभावक इस विद्यालय की प्रतिष्ठा को देखते हुए यहां अपने बच्चों को अवश्य एडमिशन लेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा पर तीखा हमला बोला है। ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर को सबसे प्रभावहीन सीएम और रामस्वरूप शर्मा को सबसे प्रभावहीन एमपी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम की अफसरशाही पर कोई पकड़ नहीं है और प्रदेश सरकार को संघ के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का हवाला देने वाले बीजेपी ये बताए कि केंद्र ने प्रदेश को क्या दिया है। आज प्रदेश सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है और यदि केंद्र प्रदेश की मदद कर रहा होता तो इस कर्ज को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं कौल सिंह ने कहा कि मंडी के मौजूदा सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं और अब जनता के बीच जाकर खुद को बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसलिए यही बात साबित हो रही है कि उनके पास खुद के विकास कार्य को गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। करा दूंगा उसका क्या हुआ, उसको संस्कृत कर दिया है, हजारों लोगों को रोजगार दूंगा, एक आदमी को रोजगार इसमें दिलाए, दो गांव उन्होंने गोद में लिए थे, उन गांव के आज देखिए क्या बुरे हाल है, उसमें कोई काम नहीं किया। और जो सांसद निधि का पैसा है
उसका भी राम स्वरूप शर्मा ने दुरुपयोग किया है। 5 साल में सिर्फ यहाँ व्यास नदी के किनारे जो है वो पूजा ही करते रहे और कोई काम उन्होंने जो है नहीं किया है। ये मुझे कहना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता चाहे उस राम जी के पोते जी को राम जो है विचार क्रांति के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने जाते हैं उनके पोते को वोट देकर के पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे और राहुल गांधी जी के हाथ में वोट देंगे।